मूवी देख के इतनी नींद आ रही ना, नींद भगाने की कोशिश कर। पता नहीं क्यों रोहित शेट्टी साहब ने ऐसी पिक्चर बनाई कि ये वन ऑफ द वर्स्ट मूवी मुझे लगी। मैं नहीं रेकमेंड कर रहा ये पिक्चर, जाके देखो तो। ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। खैर, सर्कस ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू हार्ड टू बी फनी और मुंह के बल गिरती है भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा था इस मूवी में। Why am I here? Just to suffer. पिक्चर देख के कॉमेडी ऑफ एरर्स की जगह मुझे लगता है कि यहाँ इस फिल्म में एरर्स ऑफ कॉमेडी हो गई। कॉमेडी जिसकी वजह से लोग इसे देखने जाएंगे और वहीं पे पिक्चर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉल कर जाती है। खैर, अभी पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं तो भाई स्पेशल सा शाउट आउट जाता है सिद्धार्थ जाधव और अनिल चैटर्जी को। भाई साहब, इन लोगों ने बहुत मजे दिए मेरे को। ओवरऑल पूरी मूवी को एकदम वाइब्रेंट और सैचुरेटेड लुक दिया है, जिसमें अगर हम लोग सीनरी भी देख रहे हैं तो ग्रीन एकदम उठ के दिख रहा है। लेकिन फिर उस लुक को मैच करने में जो VFX और CG वाले शॉट है वो अपना मार्क मिस कर देते हैं। वाला जो डॉक्टर है ना, वो इस पूरी स्टोरी को तेरे को 3 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन लेजेंड डिसाइडेड कि इसको मेरे आंखों और कानों से खून निकालना है। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की पिक्चर है। काफी सारे नामचीन एक्टर्स को कास्ट किया है मूवी के, मुझे कुछ नहीं मिला। मूवी में ह्यूमर नहीं है, मूवी में स्टोरी नहीं है, मूवी के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं है, मूवी अपने आप को कॉमेडी बता करके उसी की सगी नहीं है। लेकिन एक भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिसको लेके मैं ऐसे बोलूं कि हाँ इसके लिए देखने जाओ।